बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अख्तर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम गैंट चार्ट पर डिस्कशन करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग गैंट चार्ट, आई वांट टू डिस्कस प्लानिंग एंड स्केजुअलिंग टीम प्रोजेक्ट्स के। एक प्रोजेक्ट को आप किस तरह प्लान करेंगे और किस तरह स्केजुअल करेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ आता हूँ। थिंक अबाउट हाउ चैलेंजिंग इट वुड बी टू जगल ए डोजन बॉल्स एट वंस। यानी कि एक जगुलर है, एक करतब दिखाने वाला है, और उसके हाथ में ये 12 या 7 8 बॉल्स है, और वो इनको इसी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। वो क्या रहा है कि वो एक एक बॉल को यहाँ से फेंक रहा है, अपने दोनों हाथों को और माइंड को इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बॉल्स इसी सर्कल में रिवॉल्व हो रहे हैं। अब उसकी जो माइंड है वो हर एक बॉल की तरफ है, और हर एक बॉल की अपनी अपनी टाइमिंग है और अपनी अपनी ये एक एक एक्टिविटी है। अच्छा, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉल पे नज़र रखे हुए है, और एक बॉल यहाँ पे आ रहा है, वो उसको फेंक रहा है, फिर वो दूसरे हाथ में आ रहा है, और फिर स्टेप बाय स्टेप वो हर एक बॉल को फेंक रहा है। मीन्स के वो हर एक बाल की मैनेजमेंट कर रहा है। सो इफ यू आर प्लेइंग विद दीज बॉल्स, देन यूड हैव टू कीप योर आई ऑन ऑल ऑफ देम एंड नो वेन टू कैच ईच वन। सो इफ यू मिस्ड जस्ट वन, दिस कुड स्पॉइल योर होल परफॉर्मेंस। अगर एक भी बाल आपसे गिर जाता है तो आपका ये सारा सिस्टम स्पॉइल हो जाता है या कोलेप्स हो जाता है। तो आपने हर एक बाल पे आई रखना है और इनको माइंड में रखना है, तब आप ये गेम खेल सकते हैं। लेकिन अगर एक भी बाल मिस हो जाए, आपकी नज़र इधर उधर हो जाए या माइंड उधर हो जाए, तो ये जो सारे बॉल्स है, ये सिस्टम या जो ये सारा गेम है, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये अब हर एक बाल एक एक एक्टिविटी है। अब इस गेम को देख ले, सिमिलर पैटर्न पे आपकी जो मैनेजमेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो भी है, कि अगर आप एक एक्टिविटी को भी ज़ाया कर देते हैं तो आपकी जो सारी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाएगी या उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट सीरीज ऑफ रिलेटेड टास्क होता है, तो अगर आपसे एक टास्क भी मिस हो जाता है या आप एक टास्क भी ज़ाया कर देते हो या उसकी टाइमिंग में चेंज आती है या परफॉर्मेंस में, तो आगे आपकी सारी प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ सिमिलर टू दिस गेम, कि अगर आप की एक एक्टिविटी भी ख़राब हो जाती है तो आपका सारा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, और अगर आपकी जो नज़र है या आपकी जो माइंड है हर इस एक एक बॉल पे है या हर एक एक्टिविटी पे है, तो जिस तरह आप ये गेम सही तरह पे खेल सकते हो, इसी तरह आप अपनी प्रोजेक्ट को भी एफिशिएंटली और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर सकते हो। वी नो दैट फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एंड ऑन टाइम, वी मस्ट कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड वी मस्ट इंश्योर दैट दे आर कम्प्लीटेड ऑन स्केजुअल। कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो हमारे पास और हम चाहते हो कि उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली और ऑन टाइम कम्प्लीट करें, तो हमें चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में जितनी एक्टिविटीज़ है, तो हम हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करें, हर एक एक्टिविटी का ख्याल रखें, टाइम का ख्याल रखें, बजट का ख्याल रखें, क्वालिटी का ख्याल रखें, और हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हर एक्टिविटी अपने स्केजुअल टाइम पे कंप्लीट हो। और अगर हम इसमें कोई एक एक्टिविटी मिस कर देते हैं या अगर उसको लेट कर देते हैं, तो फिर उसका इफ़ेक्ट तमाम प्रोजेक्ट पे पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्ट जो है वो आपके सीरीज़ ऑफ रिलेटेड टास्क है, तो बीच में से अगर एक भी टास्क सही परफॉर्म नहीं होता तो उसका सारा जो इफ़ेक्ट है वो आपके प्रोजेक्ट पे पड़ेगा, और एट द एंड आपकी प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होगी। तो या तो आपका प्रोजेक्ट लेट हो सकता है, और या जो आपका प्रोजेक्ट है तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि जब टाइम बढ़ेगी तो उसकी वजह से उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने
हर एक बंदे को पे करना है, और आपने जो जो बंदे हायर किए हुए उनको भी आपने पे करना है, प्लस आपने चीज़ें भी रेंट की हुई है, मशीनें भी रेंट की हुई है। तो समर ये है कि अगर आपका कोई एक भी एक्टिविटी मिस हो जाती है या लेट हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो सारा प्रोजेक्ट है उसको उस पर असर पड़ेगा, या वो लेट हो सकता है या उस पर ख़र्चा ज़्यादा आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर एक प्रोजेक्ट को हम मैनेज कर रहे हैं तो उसकी हर एक एक्टिविटी पे हमें नज़र रखनी चाहिए, और जो जो भी टास्क कंप्लीट हो जाए तो उस टास्क की तरफ देखना चाहिए, और पूरा जो हमारे पास प्लान प्लान में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हुआ है, या जो भी आगे हमने प्रीवियस जो हमने प्लान किया हुआ है उसी प्लान के मुताबिक हमें हर एक एक्टिविटी को देखना चाहिए। इस एक्टिविटी की टाइमिंग क्या है, स्केड्यूल क्या है, इसकी बजटिंग क्या है, और उसकी इसके लिए कौन सी टीम हायर की हुई है हमने। तो जब हम एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे तो फिर आगे हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बेहतर होगी। अब जिस तरह हमें पता चल गया कि एक प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस उसकी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है, तो और हमें ये भी पता है कि एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर या इंस्पेक्शन टीम या जो जितने मेंबर्स हैं टीम के लीडर्स हैं उनको हर एक प्रोजेक्ट पे नज़र रखना, उनकी उसकी इंस्पेक्शन करना और देखना कि कौन सा प्रोजेक्ट किस कौन सी एक्टिविटी किस फेज में है, कब उसने कंप्लीट होनी है। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। जब तक हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स ना हो, जब तक कोई प्रॉपर टूल ना हो, तो इन एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने के लिए या विजुअली देखने के लिए हमारे पास गैंट चार्ट्स हैं। गैंट चार्ट एक ऐसा टूल है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक ये जो जितनी एक्टिविटीज़ है इनकी इंफॉर्मेशन को हम विजुअली देख सकते हैं, और इनमें जो है तमाम टास्क होते हैं, जितनी एक्टिविटीज़ है या जितने टास्क हैं वो गेवन होती है, फिर जो ऑर्डर है प्रॉपर कि टास्क ए है तो टास्क ए के बाद टास्क बी है, फिर टास्क बी कंप्लीट होने के बाद टास्क सी है, फिर टास्क डी है, तो ये प्रॉपर ऑर्डर भी गैंट चार्ट में आपको गेवन होती है, और फिर हर एक एक्टिविटी की टाइम स्केल भी आपको गेवन होती है कि ये आपने एक वीक में टास्क ए करना है, फिर एक महीने में टास्क बी करना है, फिर नेक्स्ट 14 डेज में आपने टास्क सी करना है, इसी तरह आपने टास्क डी ई एफ जी इसी तरह के टास्क करने हैं। तो ये गैंट चार्ट आपको ये एडवांटेज दे रहा है कि ये प्रॉपर ऑर्डर में आपकी एक्टिविटीज़ या टास्क को ऑर्डर कर रहा है, और ये आपको टाइम भी बता रहे हैं कि हर एक एक्टिविटी के लिए आपको कितने टाइम दरकार है। अच्छा, तो ये ब्यूटी है गैंट चार्ट की कि जो सीरीज टास्क है या जो एसोसिएटेड टास्क है, तो ये इनकी ओवरव्यू दे रहा है आपको कि ये टास्क आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, और ये आपको ये भी बता रहा है कि आपका ये वाला टास्क कब कंप्लीट होगा, और फिर आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी सारी टाइमिंग्स भी आपको ये देती हैं। तो गैंट चार्ट का ये एडवांटेज है कि एज दे आउटलाइन ऑल ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट एंड देयर ऑर्डर शोन अगेंस्ट अ टाइम स्केल, के हर एक टास्क इसमें इसकी आउटलाइन गिवन होती है, हर एक टास्क की जो प्रोजेक्ट में जितने टास्क हैं उनकी प्रॉपर ऑर्डर होती है, और फिर जो जो टाइम जिस एक्टिविटी के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम्स आपको गिवन होता है। तो आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या जो टीम लीडर हो, तो उसको प्रोजेक्ट मैनेज करना या इन एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर ख़त्म होना है, तो वो उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन भी कर सकता है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ गैंट चार्ट? सो अ गैंट चार्ट इज अ हॉरिजेंटल बार चार्ट दैट विजुअली रिप्रेजेंट्स अ प्रोजेक्ट प्लान ओवर टाइम। ये एक हॉरिजेंटल बार चार्ट होता है जो कि टाइम के साथ आपकी प्रोजेक्ट प्लान को रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये वाला एक्टिविटी किस टाइम पे स्टार्ट होगा और किस टाइम पे एंड होगा। सिमिलरली दूसरी एक्टिविटीज़ है कि हर एक एक्टिविटी के बारे में ये बताता है। एक्टिविटी मींस के जो आपका प्लान किया हुआ है, जो आपका प्रोजेक्ट प्लान है
वो टाइम के साथ आपको बताते हैं कि कौन सा एक्टिविटी किस टाइम पे स्टार्ट होगा और किस टाइम पे ये एंड होगा। और जो मॉडर्न गैंट चार्ट्स है तो वो आपको आपकी प्रोजेक्ट की स्टेटस भी बताती है कि आपकी प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है, कौन सा एक्टिविटी जारी है और कौन सा ख़त्म हो गया और कौन सा आने वाला है। और ये भी बताता है कि हर एक्टिविटी या हर टास्क के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है, या इन अदर वर्ड्स के जो जितने भी टास्क है, हर एक टास्क के लिए अपना अपना एक मेंबर, अपना एक बंदा होता है जो उस टास्क को कंप्लीट करेगा। अगेन चार्ट लिस्ट्स टास्क इन अ प्रोजेक्ट ऑन अ टाइम लाइन विद देयर इंटरडिपेंडेंसीज। जिस तरह यहाँ पे भी कहा कि हॉरिजेंटल बार है, तो इसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ टास्क होते हैं, ऑर्डर में टास्क होते हैं, और मैक्सिमम जितने टास्क है तो एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंड करेगा। और ये जो टास्क है ये ऑर्डर में गेवन होते हैं और इनके साथ इनकी प्रॉपर टाइमिंग भी गेवन होती है। जिस तरह प्रीवियसली भी मैंने कहा कि प्रोजेक्ट ए तो फिर प्रोजेक्ट बी, तो प्रोजेक्ट बी विल डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट ए। जब तक आप प्रोजेक्ट ए को कंप्लीट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट बी आप तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो गैंट चार्ट में यही टास्क है, टास्क ए बी सी डी, और इनके साथ प्रॉपर टाइमिंग गिवन है और ऑर्डर में है या इंटरडिपेंडेंसीज है कि सी आप तब स्टार्ट कर सकेंगे जब ए और बी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, और ये जो आपका गैंट चार्ट है, इट इज़ यूजफुल फॉर प्लानिंग टास्क इन ए प्रोजेक्ट एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एज द प्रोजेक्ट गोज ऑन। जिस तरह प्लानिंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा था कि हम वहाँ पे गैंट चार्ट भी यूज़ करेंगे, तो ये गैंट चार्ट जो है ये प्लानिंग टास्क के लिए यूज़फुल है। और इसी गैंट चार्ट से आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट की स्टेटस क्या है। जब आपका प्रोजेक्ट जा रहा है तो हर एक एक्टिविटी गैंट चार्ट में गेवन होती है और विद टाइम गेवन होती है, तो आपको पता होता है कि इस टाइम में कौन सी एक्टिविटी जारी है। तो आप विद इन द टाइम या ऑन डेली बेसिस या ऑन वीकली बेसिस हर एक एक्टिविटी की आप प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स अपनी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंड द गैंट चार्ट एम्फेसाइज टाइम रेदर देन टास्क रिलेशनशिप। और गैंट चार्ट जो होते हैं ये ज़्यादा टाइम पे फोकस करता है। आल तो टास्क की जो रिलेशन है या इंटरडिपेंडेंसीज है इन पे भी डिपेंड करता है, या इन पे भी जोर देता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये टाइम पे जोर देता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर ज़्यादातर टाइम को देखता है एक गैंट चार्ट से कि ये वाला जो टास्क है ये कब कंप्लीट होगा, या इसकी टाइमिंग क्या है, वो दूसरे टास्क पे जाएगा जब तक पहला वाला टास्क कंप्लीट हो जाए। तो ये ज़्यादा जोर देता है आपकी टाइम पे रेदर देन टास्क रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द गैंट चार्ट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो पहला चार्ट है वो 1896 में कैरोल एडेमिकी ने क्रिएट किया था, और उसको नाम दिया गया था हार्मोनोग्राम। और ये गैंट चार्ट की तरह का चार्ट था, लेकिन उसमें जिस तरह गैंट चार्ट में जो जितनी स्पेशलिटीज़ है, हार्मोनोग्राम में उतनी स्पेशलिटीज़ नहीं थी। बट इट वॉज़ ए प्रिकर्सर टू द मॉडर्न गैंट चार्ट। फिर कैरोल एडेमिकी ने ही 1931 में हार्मोनोग्राम को पब्लिश किया, बट विद लिमिटेड एक्सपोजर। और फिर 1910 टू 1915 में हेनरी गैंट ने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चार्ट पब्लिश की, और उसको नाम दिया गया गैंट चार्ट। और आजकल जो गैंट चार्ट्स अवेलेबल्स है, तो ये प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ये प्रेफर्ड टूल्स है, और ये आप इसमें हर साइज और हर टाइप के प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द की पार्ट्स ऑफ ए गैंट चार्ट। सो द गैंट चार्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, टास्क लिस्ट, प्रोग्रेस, टाइमलाइन, डिपेंडेंसीज, माइलस्टोन, डेडलाइन, रिसोर्स असाइंड एट्सेट्रा। सो लेट्स टेक अ क्विक लुक एट 8 की कंपोनेंट्स सो दैट यू मे नो हाउ टू रीड अ गैंट चार्ट।
The first key part of a Gantt chart is task list. So a task list runs vertically down the left of the Gantt chart to describe project work and may be organized into groups and subgroups. तो यहाँ पे देख लें, ये आपका टास्क लिस्ट है जो कि लेफ्ट साइड पे अरेंज है और ये आपकी टास्क को रिप्रेजेंट करता है। तो टास्क लिस्ट में बेसिकली टास्क गिवन है, जिस तरह यहाँ पे देख ले, बिल्ट रजिस्ट्रेशन, लॉन्च रजिस्ट्रेशन, दीज आर ऑल टास्क। और फिर हम इनको ऑर्गेनाइज कर देते हैं इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो ये ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप है। सो अ टास्क लिस्ट डिस्क्राइब्स अ प्रोजेक्ट वर्क एंड मे बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। तो यहाँ पे टास्क है और ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज टाइमलाइन। द टाइमलाइन रन्स हॉरिजेंटली अक्रॉस द टॉप ऑफ द गैंट चार्ट एंड शोज मंथ्स, वीक्स, डेज एंड ईयर्स। तो यहाँ पे देख ले, ये टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन में यहाँ ये टॉप पे ये टाइमलाइन गिवन है आपको, मंथ यहाँ पे जून 2019, तो मंथ और ईयर भी गिवन है और ये डेज है, तो इन डेज से आप वीक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10th of June, 11th of June, 12th of June। सो द टाइमलाइन शोज यू द मंथ्स, वीक्स, डेज एंड ईयर्स इन अ गैंट चार्ट, और ये टॉप पे अरेंज होता है। जिस तरह यहाँ पे देख ले के वह बिल्कुल गैंट चार्ट के टॉप पे, यहाँ पे देख ले, ये जून 2019 और ये इनके डे और वीक्स हैं। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेट लाइन एंड द डेट लाइन इज अ वर्टिकल लाइन दैट शोज द करंट डेट ऑन द गैंट चार्ट। यहाँ पे इस गैंट चार्ट को आप देख ले तो ये वो वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन आपको बता रहा है कि करंट डेट क्या है। तो यहाँ पे इस ग्रे लाइन को देख ले, 26 जो वर्टिकली आ रहा है, तो ये आपको जो करंट डेट है, करंट डेट के बारे में बता रहा है। सो इन दिस गैंट चार्ट इट इज़ 26 जून 2019। सो आज का जो डेट है वो है 26 जून 2019 इन दिस गैंट चार्ट। The next component is bars, and bars are horizontal markers on the right side of the Gantt chart that represent tasks and show progress, duration, and start and end dates. यहाँ पे देख ले, ये जो horizontal bars है, ये horizontal bar, ये horizontal bar, ये horizontal bar, all these are bars. और ये जो बार्स है ये आपको टास्क रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो बार है, इट रिप्रेजेंट बिल्ट रजिस्ट्रेशन, जो टास्क है वो बिल्ट रजिस्ट्रेशन का है और ये 11 जून से शुरू हुआ है और 12 जून तक ख़त्म हो गया है। तो जो ड्यूरेशन इसके लिए है वो 2 दिन है और इसकी जो प्रोग्रेस है वो 100% कम्प्लीट हो चुकी है। तो आपका जो ये बार है, इट रिप्रेजेंट्स द टास्क, तो ये जो बेल्ट रजिस्ट्रेशन का टास्क रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। फिर ये स्टार्ट डेट इसका 11 जून है, एंड डेट 12 जून है क्योंकि ये 2 दिन का टास्क था, तो जो ड्यूरेशन है वो 2 दिन का है और प्रोग्रेस के ये पूरा का पूरा 2 दिनों में आ चुका है, इट मीन्स कि ये 100% कम्प्लीट हो चुका है। सिमिलरली आप इस बार को देख ले, इसी बार को देख ले, इस बार को देख ले, तो ये जो है स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है। तो बार्स आपको ड्यूरेशन के बारे में बताता है, प्रोग्रेस के बारे में बताता है, टास्क के बारे में, टास्क को आइडेंटिफाई करता है और स्टार्ट डेट और एंड डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द नेक्स्ट इज माइलस्टोन्स and milestones are represented by yellow diamonds on the Gantt chart and it is used to call out major events, dates, decisions and deliverables. Milestone ko aap yellow diamonds se represent karenge.
और ये येलो डायमंड्स रिप्रेजेंट करेगा कि अगर जहाँ पे भी येलो डायमंड यूज़ होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे कोई या तो मेजर इवेंट है या कोई इम्पॉर्टेंट डेट है या कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन या डिलीवरेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, ये आपकी येलो डायमंड है, ये येलो डायमंड है, ये येलो डायमंड है। तो ये इसलिए रिप्रेजेंट हुआ है कि 27 जून जो है ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है, या यहाँ पे कोई अगर आपने डिसीजन लेना है या अगर कोई मेजर इवेंट करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी 26 जून पे भी 13 जून पे भी, तो ये माइलस्टोन्स है या येलो डायमंड्स है जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं किसी मेजर इवेंट्स को या इम्पॉर्टेंट डेट या डिसीजन या डिलीवरेबल को। द नेक्स्ट इज डिपेंडेंसीज, एंड दीज डिपेंडेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई लाइट ग्रे लाइन्स ऑन द गैंट चार्ट, एंड दीज लाइट ग्रे लाइन्स आर डिपेंडेंसीज कनेक्ट टास्क दैट नीड टू हैपन इन ए सर्टन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी सी एंड डी आर फोर टास्क एंड दे आर अरेंज आर दे विल हैपन इन ए सर्टन ऑर्डर, सो वी विल कनेक्ट ए विद बी, बी विद सी एंड सी विद डी। इट मीन्स दैट यू कैन नॉट स्टार्ट बी इफ यू हैव यू हैवन कम्प्लीटेड ए, आर यू कैन नॉट स्टार्ट सी इफ यू हैवन कम्प्लीटेड ए। अच्छा, डिपेंडेंसीज को आप यहाँ पे देख ले तो ये लाइट ग्रे लाइन्स है और ये टास्क है, ये टास्क है, ये टास्क है और ये टास्क है। इन चारों टास्क को हमने इन ग्रे लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला टास्क है, जब ये ख़त्म हो जाए तब आप ये वाला टास्क शुरू कर सकते हैं। आप उस वक्त तक ये टास्क नहीं शुरू कर सकते जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर चुके। सिमिलरली आप यहाँ पे देख लें, जब आप 75% या 80% तक ये वाला टास्क कर ले तो फिर आप ये वाला टास्क स्टार्ट कर सकते हैं जो सी टास्क है। अच्छा, फिर जब ये सी टास्क ख़त्म हो जाए तब आप ये वाला टास्क शुरू कर सकते हैं। इन शॉर्ट के ये जो ग्रे लाइन है तो ये वो लाइन है जो कि उन टास्क को कनेक्ट करता है, या टू है, थ्री है, फोर है, जितने भी टास्क हैं जो कि एक सर्टन ऑर्डर में वाक़ होते हैं उन टास्क को ये कनेक्ट करता है। द नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस, एंड प्रोग्रेस शोज़ हाउ फार अलॉन्ग वर्क इज एंड मे बी इंडिकेटेड बाई परसेंट कम्प्लीट एंड आर बार शेडिंग। प्रोग्रेस के आपका ये टास्क कितना हो चुका है तो आप इसको परसेंट के सिंबल से भी शो कर सकते हैं या बार शेडिंग से भी इसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले, आपकी बेल्ट रजिस्ट्रेशन एक टास्क है, तो या तो ये प्रोग्रेस के लिए ये वर्टिकल एक लाइन है या एक कॉलम है इसके लिए, तो इस कॉलम में देख ले कि जो आपकी बेल्ट रजिस्ट्रेशन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। ये सब ग्रुप है गैंट चार्ट्स 101, तो ये 85% कंप्लीट हो गई है, और ये जून वाला जो ये ग्रुप वाला है तो ये 85% कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो ये प्रोजेक्ट है गैंट को वेबिनार प्रोजेक्ट, तो ये 38% पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपकी प्रोग्रेस लाइन है, प्रोग्रेस कॉलम है, जिसमें आप एक टास्क को, सब टास्क को जो भी है उसकी प्रोग्रेस आप मालूम कर सकते हैं। या तो आप परसेंट ये वाला जो सिंबल है या प्रोग्रेस है यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं, और या जो बार शेडिंग है इससे भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बार है तो देख ले ये पूरा शेड हो चुका है, तो पूरा शेड होने का मतलब ये कि ये 100% कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देख ले तो ये बार यहाँ पे यहाँ तक शेड हो चुका है, विच मीन्स दैट इट इज़ कम्प्लीटेड 25 और 30%। तो और यहाँ पे देख ले ये 85% कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ तक 25-26 तक आ गया है ये जो बार है शेडिंग बार जो है। सिमिलरली इसको भी देख ले सब ग्रुप को, ये भी 85% हो गया है, तो ये यहाँ तक शेड हो चुका है। तो आप प्रोग्रेस को यहाँ परसेंट के सिंबल से भी शो कर सकते हैं जो कि ये प्रोग्रेस के नीचे इस कॉलम में आ रहा है, 29%, 100%, 25% जो भी है, या आप
इसी बार से भी शो कर सकते हैं, और बार में जो शेडिंग होगी वही से आप प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पूरा शेड हो चुका है, इट इज़ 100%, ये 85% तक शेड हो चुका है, ये भी 85% तक शेड हो चुका है, तो ये 85% ये कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली ये 25% तक शेड हो चुका है या 33% तक शेड हो चुका है, इट मीन्स कि ये 33% ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। द नेक्स्ट इज रिसोर्स असाइंड, एंड रिसोर्स असाइंड इंडिकेट्स द पर्सन आर टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क। गैंट चार्ट में रिसोर्स असाइंड के लिए एक अलग कॉलम होता है, और उसी कॉलम में उस शख्स का नाम होता है उस टास्क के सामने जो कि उस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या उस शख्स का नाम होता है या उस टीम का नाम होता है जो कि उस प्रोजेक्ट या जो सब टास्क है या जो टास्क है उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आप देख ले, ये प्रोग्रेस से पहले जो कॉलम है, तो यहाँ पे जॉर्डन को देख ले, सारा को देख ले, जॉर्डन और सारा की एक टीम बनी है, पर जॉर्डन, तो ये वो रिसोर्स असाइंड है, यहाँ पे जॉर्डन का नाम लिखा है और सामने इसकी ये वाली टास्क है कि जो जॉर्डन है वो इस टास्क को करेगा, सारा इस टास्क को करेगा, जॉर्डन और सारा मिलकर इस टास्क को करेंगे। तो इन शॉर्ट जो रिसोर्स असाइंड है तो इट इंडिकेट द पर्सन आर टीम, तो ये वो पर्सन है और ये वो टीम है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क। एप्लीकेशंस ऑफ गैंट चार्ट, गैंट चार्ट्स आर यूजफुल इन मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, बट वी विल गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ टीम्स एंड कंपनीज दैट यूज गैंट चार्ट्स टू प्लान स्केजुअल एंड एग्जीक्यूट दियर प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले ले, तो अगर एक छोटे ब्रिज या घर से लेकर एक मेगा प्रोजेक्ट तक आप देख ले, तो उसमें आपको गैंट चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ है और हर कौन सा एक्टिविटी किस टाइम पे स्टार्ट होगा, कितना टाइम लेगा, प्रोग्रेस पर कितनी डिपेंडेंसीज है, एक टास्क दूसरे पे कितना डिपेंड करेगा, तो ये सब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में होता है, तो आपको गैंट चार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। सिमिलरली इन कंसल्टिंग एजेंसीज वी यूज़ गैंट चार्ट, इन मार्केटिंग टीम्स गैंट चार्ट कैन बी यूज, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज गैंट चार्ट कैन बी एप्लीकेबल, कैन बी यूज, ह्यूमन रिसोर्सेज में भी गैंट चार्ट आर यूजफुल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिमिलरली इन इवेंट प्लानिंग यू कैन यूज़ गैंट चार्ट, एंड आपका जो प्लानिंग है, इवेंट का जो प्लानिंग है वो आपके लिए बहुत हद तक इजी कर देगा और इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इन लास्ट वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ गैंट चार्ट। सो द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ दैट इन गैंट चार्ट यू कैन सी एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एट अ सिंगल प्लेस, और जब हर एक इवेंट टाइम स्केजुअलिंग प्रोग्रेस सब कुछ आपके सामने है, तो इट मीन्स के यू कैन मैनेज वेल द प्रोजेक्ट, तो आप उस प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी, हर जिस एक्टिविटी या जिस टास्क के लिए जो बंदा है, जो आपने हायर किया हुआ है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी आपके सामने है उसी प्लान में या उसी पेपर में या उसी चार्ट में, जो प्रोग्रेस चल रही है, कौन सा टास्क किस टाइम पे करना है, कौन से टास्क इंटरडिपेंडेंट है, जब सब कुछ आपके सामने एक पेपर पे हो, एक चार्ट पे हो, तो उसको मैनेज करना फिर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। मींस के जब आप गैंट चार्ट कर लो तो 70-80% आप प्रोजेक्ट को अपने काबू में कर देते हैं, या सक्सेसफुल के चांसेस आप 70-80% कर देते हैं। जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो गैंट चार्ट है, इट प्रोवाइड्स द टोटल ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट टेल्स यू अबाउट द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विच आर के आपके जो ये टास्क है या जो आपके प्रोजेक्ट है, इसमें कितने मेंबर्स इन्वॉल्व है, कौन सा मेंबर को कौन सा टास्क दिया गया है, टोटल टाइम कितना है इस टास्क के लिए, ड्यूरेशन कितनी है, स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, या टास्क के दरमियान में इंटरडिपेंडेंसीज क्या है। सो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि जो द गैंट चार्ट
acts as a great visualization and prioritization tool, as it provides the total overview of the project and tells you about the critical information such as members involved in each step, the order of tasks, duration, start to end dates, task dependencies and progress made in them. कितने members हर एक step में involved है, आपकी tasks की order क्या है, duration कितनी है किसी task की, start to end dates task की क्या है या project की क्या है, ये information भी आप गैंट चार्ट से ले सकते हैं. और task के दरमियान में कौन सी dependencies है या कौन सा task, हर एक task की क्या क्या progress है. So hence we can say that the online Gantt chart software are helpful in equipping project managers with the information they need to oversee while managing projects. कि आपके जो project managers हैं तो इन्हीं Gantt chart से वो जो useful information है, जिस तरह कि कितने members involved है, task की क्या order है, start date क्या है, end date क्या है, progress क्या है, task dependencies क्या है, या कौन से टूल या इक्विपमेंट्स मेरे टास्क के लिए चाहिए, तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो गैंट चार्ट से इजीली ले सकता है. सिमिलरली अदर बेनिफिट्स ऑफ गैंट चार्ट आर दैट दीज अलाउ यू टू यूज़ योर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एज यू गेट टू सी अ प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन वेयर यू कैन इजीली सी हाउ एंड वेयर रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड. यहाँ पे आप रिसोर्सेज को भी इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन होता है या गैंट चार्ट में जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन होता है तो आपको वहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट का पता होता है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं कि रिसोर्सेज कितनी यूटिलाइज्ड होगी इस इन ही ड्यूरेशन में, या कितनी रिसोर्सेज चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए या इस टास्क के लिए. Similarly, within Gantt charts, you can also delegate tasks and align resources without burdening them with too much work. अब Gantt chart से ही आप किसी को task दे सकते हैं और resources भी align कर सकते हैं. तो अब आपको पता चलेगा कि इस बंदे को मैंने कौन सा task दिया है, या उस पर ये जो task है या जो resources या जो task इसको assign किए तो इस बंदे पर burden तो नहीं है. तो ये सिंपली आप गैंट चार्ट से कर सकते हैं कि आपको हर एक बंदे के टास्क का पता चलेगा, तो आप किसी को कम या ज़्यादा टास्क नहीं देंगे बल्कि बैलेंस टास्क हर एक को प्रोवाइड करेंगे. सिमिलरली प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन यूज़ दीज चार्ट्स टू नो हु इज़ वर्किंग ऑन व्हाट एंड गिव इनपुट्स ऑन सर्टेन टास्क्स एंड पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू देम. गैंट चार्ट से ही प्रोजेक्ट मैनेजर्स को पता चलता है कि कौन किस टास्क पे काम कर रहा है, किस टास्क या एक्टिविटी के लिए कोई इनपुट चाहिए, या किस बंदे को कोई इनपुट या कोई हेल्प चाहिए. अच्छा, तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर को पता लग गया कि कौन किस एक्टिविटी पे काम कर रहा है और उसी एक्टिविटी के लिए किसी इनपुट की ज़रूरत है, तो वो उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली और सक्सेसफुली पास कर सकता है टूवर्ड दैट ग्रुप या टूवर्ड दैट person या toward that activity. So it helps him to communicate better with team members. अब ये जो Gantt chart है तो इसी वजह से आपका जो project manager है वो team members के साथ बेहतरीन तरीके से communicate कर सकता है. और फिर Gantt chart से ही सब एक पेज पे होते हैं, हर एक को task assign होता है, proper date का पता चलता है, activities का पता चलता है, तो इसी वजह से एज ए टीम उनकी जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होती है. जब कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो वहाँ पे एज ए टीम उनकी रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ये जो गैंट चार्ट है तो इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर हैविंग अ सेपरेट टूल फॉर ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन पर्पसेस. इसी गैंट चार्ट से ही हम किसी एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, और इसी वजह से हम जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर टीम मेंबर्स के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, तो आपकी गैंट चार्ट ट्रैकिंग को भी इजीली बनाती है और कम्युनिकेशन को भी बेहतरीन बनाती है. तो इसी वजह से हमें किसी सेपरेट टूल की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हम किसी एक्टिविटी को ट्रैक करें या कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएँ. एक दफ़ा जब आप गैंट चार्ट सॉफ्टवेयर में अपनी जो एक्टिविटीज़ है या प्रोजेक्ट की जितनी टास्क है वो स्केजुअल कर दे, तो फिर आप अपनी
प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस किसी भी टाइम पे मालूम कर सकते हैं। मींस इसके लिए सर आपको टास्क पुटिंग चाहिए कि जो जो टास्क है आप अपने गैंट चार्ट सॉफ्टवेयर में पुट कर दे, तो फिर आप जो आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है तो वो किसी भी टाइम मालूम कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ क्वाइट यूजफुल टू डिटरमिन इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ हेडेड इन द राइट डायरेक्शन आर नॉट। और जब आपको किसी एक्टिविटी की या ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का पता चले तो फिर ये इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि आया आपका प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है तो आप अपनी डायरेक्शन को फिर ठीक कर सकते हैं। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ गैंट चार्ट इज़ दैट इट शोज़ द डिटेल्स ऑफ ईच टीम मेंबर्स टास्क एंड माइलस्टोन्स इन वन प्लेस सो दैट एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ ईच अदर्स वर्कलोड एंड हेल्प दोज हु मे बी स्ट्रगलिंग टू फुलफिल देयर ओन वर्क। अब गैंट चार्ट में हर एक टीम मेंबर की टास्क गिवन होती है और जो माइलस्टोन है वो भी गिवन होती है। तो अब हर मेंबर को अपने टास्क का भी पता होता है और अपनी कुलीग के टास्क का भी पता होता है। अब अगर किसी को अपने टास्क में कोई मसला दरपेश आ रहा है या किसी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है तो दूसरा कुलीग जो कि उसके टास्क से अवेयर है तो उसकी हेल्प कर सकता है। अब दिस काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क प्रोसेस फर्दर बूस्ट टीम वर्क ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस विद इन द टीम। तो टीम वर्क ऑनेस्टी ह्यूमिलिटी जो कि टीम में विद इन द टीम ये आपकी इम्प्रूव होगी। तो ये भी गैंट चार्ट का ही एक फ़ायदा है कि आपका जो टीम वर्क है वो इम्प्रूव होगा, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी विद इन द टीम वो भी इम्प्रूव होगी।